तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होगा कि हाउ टू बिकम ई स्पोर्ट प्लेयर, ई स्पोर्ट कैसे खेले, टूर्नामेंट कैसे खेले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होगी और आप लोगों ने मेरे से पूछा भी। तो जिन जिन लोगों ने मेरे से ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो उन लोगों के लिए थैंक यू। और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं कि आप लोग किस तरीके से जो है टूर्नामेंट खेल सकते हो, स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, एक स्पोर्ट प्लेयर बन सकते हो। तो इस वीडियो को जो है गाइज आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आप लोग हर एक चीज़ जानना चाहते हो तो। हेलो गाइज, मैं हूं अमन और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज अगर हम बात करें बेसिक टिप से, तो गाइज फर्स्ट टिप यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा कि मेक योर ऑन टीम। गाइज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप खुद की एक टीम बना लो। गाइज देखिए, अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलोगे तो गाइज आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू, आई एम टेलिंग यू कि आप खुद की एक टीम बना लो, परमानेंट टीम बना लो। गाइज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक स्क्वाड में और एक टीम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। गाइज एक स्क्वाड का मतलब होता है चार बंदे, ठीक है, और एक टीम का मतलब होता है चाहे वो दो प्लेयर हो, थ्री प्लेयर्स हो, या फोर प्लेयर्स हो, या फिर और भी ज़्यादा प्लेयर्स, लेकिन उनका एक यूनाइट एक टीम बोलते हैं गाइज, जिसको एक यूनिटी में जो रहते हैं उसको बोलते हैं एक टीम। तो गाइज आपको स्क्वाड नहीं बनानी है यहाँ पे, मैं आपको स्क्वाड बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप परमानेंट स्क्वाड बना लो। गाइज आपको एक टीम ऑर्गेनाइज करनी है, उनमें से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जो है आपको चुनना है, चूज करना है और उनको एक टीम में रखना है। और गाइज फिर आपको उनके साथ मैचेस खेलना है, ठीक है, और आपको उन सभी प्लेयर्स का गाइज माइंडसेट समझना पड़ेगा। क्योंकि गाइज देखिए, अगर आप एक अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं हाई लेवल पे, तो उसके लिए आपके टीम्स के सभी बंदों का गाइज माइंडसेट सेम होना चाहिए। अगर आप रस करके खेल रहे हो तो सारों बंदों का माइंडसेट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर जो है गाइज वो सर्वाइव करने में लग गया। लेकिन गाइज देखिए, स्पोर्ट में क्या होता है, टूर्नामेंट में क्या होता है, आपको रस करके वहाँ पे नहीं खेलना पड़ता, वहाँ पे आपको सर्वाइव करके खेलना पड़ता है। तो दैट्स वाई आप उन प्लेयर्स के साथ मैचेस खेलो, कस्टम्स खेलो, ट्रेनिंग खेलो, और सभी बंदों को आप समझो कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी का है, किस तरीके से खेलता है। और जैसा कि मैंने बोला गाइज, फर्स्ट टिप इज ऑर्गेनाइज योर ऑन टीम। सो गाइज हैव वी जंप टू अवर टिप नंबर टू, एंड गाइज अवर टिप नंबर टू इज नो एबिलिटी ऑफ योर टीममेट, अपनी टीममेट की काबिलियत को समझो। गाइज यहाँ पे हमने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को चुन के एक टीम तो बना लिया, एंड उसके बाद जो प्रोसेस होती है गाइज वो होती है आपको अपने टीममेट की काबिलियत को समझना है। अभी काबिलियत समझने से मेरा मतलब यहाँ पे गाइज कि आपको देखना है कि आपकी टीम का कौन सा प्लेयर स्नाइपर अच्छी चला लेता है, कौन सा प्लेयर शॉर्ट रेंज में अच्छा खेल लेता है, कौन सा प्लेयर लॉन्ग रेंज में अच्छा खेलता है, कौन मिड रेंज प्लेयर है, और कौन अच्छा रसर है, कौन अच्छा सपोर्टर है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें गाइज आपको अपने टीममेट्स में देखनी पड़ेगी, और गाइज उसके हिसाब से आपको एक स्क्वाड ऑर्गेनाइज करना है। अभी तक हमने बात किया था एक टीम ऑर्गेनाइज करने की, अब हम बात कर रहे हैं आपको एक स्क्वाड ऑर्गेनाइज करना है, बाकी प्लेयर्स को निकालना नहीं है। गाइज हमने जो प्लेयर्स इकट्ठे किए हैं गाइज उनमें से हमें काबिलियत सभी की देखनी है। गाइज उसके बाद आपको गाइज अपने टीम में एक स्नाइपर रखना ही रखना है। गाइज मैं यहाँ पे स्नाइपर रखने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज जब लॉन्ग रेंज की फाइट होती है तो आपको पता है कि स्नाइपर का एक जो स्कोप होता है बहुत ही अच्छा होता है। और अगर किसी बंदे के पास स्नाइपर है, M8 2B मिल गया उसको, भाई तो वो तो ग्लू बॉल के आर पार मारेगा, ऊपर से आपकी ग्लू बॉल भी बहुत ही जल्दी वो फोड़ देगा। तो इसी तरह आपको अपने टीम में एक अच्छा स्नाइपर रखना है जो कि गाइज सामने वाले बंदों का ग्लू बॉल खत्म कर सके, उनका ग्लू बॉल फोड़ सके, उनको ग्लू बॉल के आर पार मार सके। इसलिए अपनी टीम में एक स्नाइपर जरूर रखो। उसके बाद गाइज बचे हुए तीन प्लेयर जो है, तो गाइज आपको क्या करना है, दो बंदे रसर रखने हैं, दो बंदे ऐसे रखने हैं कि वो चढ़ के गाइज पेल सके, जब आप पे रस हो रहा है तो वो दो बंदे चढ़ जाए उन बंदों पे, और उसके बाद गाइज जो एक बंदा बचता है या फिर आप ही हो जाओ या फिर कोई और, तो गाइज वो होना चाहिए सपोर्टर। गाइज यहाँ पे सपोर्टर का बहुत ही ज्यादा काम होता है। अगर आपकी टीम के दो बंदे रस करके बंदे पे चढ़ रहे हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा पीछे से, सामने वाले बंदों को डैमेज करके। तो गाइज ऐसी बनती है एक टीम, एक स्नाइपर रख लो, दो रसर रख लो, और एक सपोर्टर होना जरूरी है। और जो सपोर्टर होगा गाइज वो लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, हर एक तरीके से जो है गाइज वहां पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपनी टीम। तो गाइज उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट टिप दूं, तो गाइज मैं आपको नेक्स्ट टिप यहां पे दूंगा कि आपको छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खेलने हैं। गाइज ऐसा नहीं है कि आपने टीम बनाई उसके बाद आप डायरेक्ट सोचो कि आप इंडिया में हाईएस्ट लेवल का स्पोर्ट लेवल का टूर्नामेंट खेलो, तो गाइज इस लालच में मत पड़िए। आप छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलिए, जैसे कि कभी कभी कोडा सॉफ्ट जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, या फिर बहुत सारी game.tv ऐसी बहुत सारी जो है ऐप्स हैं या फिर वेबसाइट है जो कि फ्री फायर की टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो गाइज आप उनके टूर्नामेंट्स खेलो, या फिर गिल्ड्स वॉर कराओ,
तो आप अपने गिल्ड की तरफ से टूर्नामेंट खेलो। आपको छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलने हैं, उससे गाइस क्या होगा कि आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। आप बड़े टूर्नामेंट की लालच में मत रहना। छोटी छोटी बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पहले छोटी छोटी टूर्नामेंट खेलो, उनको जीत के आओ और अपनी टीम का गाइस एक्सपीरियंस बढ़ाओ। एक अच्छा गाइस स्पोर्ट प्लेयर वहां पे आप बनो, एक टूर्नामेंट प्लेयर तो बनो। गाइस फिर जब आपको लगे कि हाँ आप एक अच्छे टूर्नामेंट प्लेयर बन चुके हैं, आप एक अच्छा परफॉर्म कर लेते हो टूर्नामेंट में, अब आप ई स्पोर्ट खेलने लायक प्लेयर बन चुके हो, तो गाइस उसके बाद क्या करना है। फ्री फायर जो है बहुत सारी गाइस टूर्नामेंट्स लाती रहती है, जैसे कि गाइस बैटल अरीना फ्री फायर ने लाया था, उसके बाद FFICE के बहुत सारे टूर्नामेंट जो है फ्री फायर करती रहती है। अभी फिलहाल में एक टूर्नामेंट आया था FFICE का, तो गाइस आपको ऐसे टूर्नामेंट्स में जो है ज्वाइन करना है और गाइस वहां पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको टॉप लिस्ट में आना है। उसके बाद गाइस ऑफिशियली आपको फ्री फायर की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। फ्री फायर जो है ऑफिशियली आपको बुलाएगा टूर्नामेंट खेलने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद गाइस क्या होगा कि आपको इंडिया में ही मैचेस आपके स्टार्टिंग में होंगे और वहां पे अगर आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाते हो तो गाइस उसके बाद जो है फ्री फायर आपको ऑफिशियली बाहर खेलने के लिए भेजेगा। जैसे कि आपको पता होगा अभी TSG ऋतिक की टीम जो है गई थी खेलने बाहर, तो ऐसे ही गाइस आपको भी जो है वहां पे फ्री फायर की तरफ से ऑफिशियली भेजा जाएगा। तो गाइस आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक स्पोर्ट प्लेयर कैसे बन सकते हो, स्पोर्ट कैसे खेल सकते हो, टूर्नामेंट कैसे खेल सकते हो। तो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको A to Z हर एक चीज बताई है। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है, तो गाइज इस वीडियो को आपको लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है गाइज कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, और इस वीडियो को गाइज आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी जो है गाइज टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो, तो वो लोग भी इस वीडियो से गाइज कुछ सीख पाए। तो गाइज इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को गाइज याद करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बहुत सारी आगे फ्यूचर में लाने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को जैसा कि मैंने बोला अपने दोस्तों के साथ गाइज जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, लव यू ऑल गाइज।